हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बढ़िया होगे। तो नेवी हमारे के लिए जीके का 25 क्वेश्चन का ये सेट है। एक कंप्लीट प्रैक्टिस सेट नहीं है, लेकिन जीके के 25 क्वेश्चन का सेट है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 25 में से 20 क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इनमें वैराइटीज़ देखने को मिलेगी कि आखिर किस किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप जरूर देखना, और हो सके तो अभी के अभी 10 मिनट में आप ये 25 क्वेश्चन आपको रट लेने। इनमें से कोई क्वेश्चन आपको ऐसा मिलता है जो आपको नहीं याद हो रहा है, तो उनको आप कॉपी में लिख लेना और याद कर लेना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप भी ट्राई करिएगा, 25 में से 20 क्वेश्चन तो आप सही कर ही दोगे, है ना। लास्ट में बता देना कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चन के आंसर सही हुए। पहला क्वेश्चन है, रघुवंश नामक पुस्तक किसने लिखी है? देखो, एक क्वेश्चन आपका पुस्तक से रिलेटेड आएगा ही आएगा। अब वो पुस्तक से रिलेटेड पुरानी पुस्तकें पूछ सकता है, या फिर हाल ही में जो पुस्तकें पब्लिश हुई हैं उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पुस्तकें आपको सारी याद होनी चाहिए। तो रघुवंश नामक पुस्तक किसने लिखी? वो लिखी आपकी कालिदास ने, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर दो। क्वेश्चन नंबर दो है, पंचशील पर किन दो देशों ने हस्ताक्षर किए? तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आता है, और पंचशील पर आपको पता होगा भारत और चीन ने हस्ताक्षर किए, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर तीन। क्वेश्चन नंबर तीन है, प्रसिद्ध हजरत बल दरगाह कहाँ पर स्थित है? पूछा जाता है, बार बार रिपीट होता रहता है नेवी एमआर में। प्रसिद्ध हजरत बल दरगाह जो है वो आपका श्रीनगर में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर। किस शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जरूर आते हैं, पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं बार बार। किस शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? कोचीन को, कोचीन को अरब सागर की रानी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव है, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? बार बार पढ़े हो गए आप ये क्वेश्चन, फिर भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो भूल जाते हो, कन्फ्यूज़ हो जाते हो, है ना। तो हुमायूं का जो मकबरा है वो कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है, याद रखना है। और ये क्वेश्चन आता है नेवी SSR में भी, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स। निम्न में से किस भारतीय नागरिक को नोबेल शांति पुरस्कार 2014 से सम्मानित किया गया? अब देखो, ऐसा नहीं कि आप हाल ही में जो शांति पुरस्कार या जो भी पुरस्कार दिए गए हों हाल ही में वो आप रटो, पुराने भी आपको याद रखने पड़ेंगे, पूछे जाते हैं। तो इनमें से चार ऑप्शन है, 2014 की बात हो रही है, तो अगर जिसको याद होगा वही बता पाएगा। तो भारतीय नागरिक को नोबेल शांति पुरस्कार 2014 से सम्मानित किया गया, वो कौन थे? वो थे कैलाश सत्यार्थी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन है, हजरत बल दरगाह में स्थित है। हाँ, सेम क्वेश्चन है, ऊपर आपने 3 नंबर क्वेश्चन देखा था, बस थोड़ा सा अलग तरीके से खालिस्तान करके पूछ लिया गया है। तो आई होप आपने बता दिया होगा, श्रीनगर ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर एट। निम्न में से कौन सा देश सर्वोच्च खेल पुरस्कार या फिर अवार्ड है? निम्न में से कौन सा देश का सर्वोच्च, अपने देश का पूछा जा रहा है, सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, तो वो है आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर नाइन। भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो कौन सा है? आप में से लगभग काफ़ी लोगों को नहीं पता, भूल गए होंगे, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं पता नहीं होगा, पता सब था लेकिन भूल जाते हैं ना। तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो कौन सा है? बाघ, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, किसी किसी सेट में छोटा क्वेश्चन रख दिया। क्वेश्चन नंबर 10 है, साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है? तो इस टाइप का एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है आपके एग्जाम में, किसी भी प्लेयर का नाम दे दिया जाएगा और वो किस खेल से संबंधित है पूछ लिया जाता है। तो साइना नेहवाल आपकी बैडमिंटन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके के क्वेश्चन जो कि जितने भी आपके कोई वर्ड दिया गया या फिर आपको किसी भी ट्रॉफी का नाम बता दिया गया और पूछा गया कि ये ट्रॉफी किससे संबंधित है, ये पुरस्कार किससे संबंधित है, ये वर्ड किससे संबंधित है, तो इस तरीके के खेल से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। सन 2023 का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, करंट अफेयर का। 2023 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? बहुत ही सही क्वेश्चन, और इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। 2023 का जो क्रिकेट विश्व कप है, वर्ल्ड कप है क्रिकेट का, वो भारत में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, चोल साम्राज्य का अंत किसने किया? चोल साम्राज्य का अंत किसने किया? हिस्ट्री से क्वेश्चन आ गया, और इसी तरीके क्वेश्चन आता है, तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मलिक काफूर ने। अब मलिक काफूर को देखो, थोड़ा सा मैं बताता हूँ चोल साम्राज्य के बारे में। 1310 की बात है, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति का नाम था मलिक काफूर, और इन्होंने चोल शासकों पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त कर ली। 1310 में ही चोल साम्राज्य का अंत हो गया था और चोल साम्राज्य समाप्त हो चुका था। तो चोल साम्राज्य का अंत किसने किया पूछ लिया जाता है, तो अलाउद्दीन के सेनापति
मलिक काफूर, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया, सभी को पता है, कब चलाया था ये पूछ लिया जाता है। तो 1920 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। 14 नंबर, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, बहुत इजी पेपर है लेकिन बहुत ही कमाल का है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा है ना, याद होगा कैनबरा, लेकिन एग्ज़ाम में राजधानी पूछी जाती है, बहुत टफ पूछ ली जाती है। डबल SSR में तो कभी कभी ऐसी राजधानी पूछ ली जाती है जो किसी को नहीं पता होती, सभी स्टूडेंट्स को नहीं पता होती, बहुत टफ पूछ ली जाती है। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी यहाँ पूछी गई है, लेकिन आपको सभी देशों की राजधानी याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? ये आपका स्थित है, बहुत ईजी है, कानपुर में। मैंने सरल क्वेश्चन क्यों रखे हैं? मैंने इसलिए रखे हैं क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको समझाना चाहता हूँ कि आपको किस किस क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन को ज़्यादा ध्यान देना है, इनसे एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। अब जितने भी इंपॉर्टेंट स्टेडियम्स हैं, या क्रिकेट के हो गए या फुटबॉल के हो गए, वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मैंने इजी सा आपके सामने रख दिया, ग्रीन पार्क जो कि कानपुर में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, 2019 में नोबल शांति पुरस्कार किसे दिया गया? ठीक है, सही क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है और पूछे जाने के पूरा चांसेस है। तो इसका जो करेक्ट जवाब है, चारों ऑप्शन आपको अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। और सबसे पहली चीज़ तो 2019 में किसे किसे नोबल शांति पुरस्कार दिया गया, वो आपके दिमाग में होना चाहिए। जब आपके दिमाग में होगा, आप ऑप्शन पढ़ोगे, तब आपको पता चल जाएगा कि 2019 में अबी अहमद को नोबल शांति पुरस्कार दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से कौन सा जीव सबसे प्रथम अंतरिक्ष में भेजा गया था? कौन सा जीव? तो उसकी बात हो रही है ऑप्शन नंबर बी, कुत्ता। ठीक है, निम्न में से कौन सा जीव सबसे प्रथम या सबसे पहले अंतरिक्ष में भेजा गया? तो भेजा गया कुत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। सन 2018 की बात पूछी गई यहाँ पे, सन 2018 में 44वां G7 सम्मेलन की बैठक हुई थी, तो ये बैठक कहाँ पर हुई थी? तो ये भी सही क्वेश्चन है, और 2018 में G7 सम्मेलन की जो बैठक हुई वो आपकी कनाडा में हुई, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। भारत के द्वारा बनाया गया UAV का नाम क्या है? अब UAV का नाम क्या है? तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, निशांत, है ना। इस तरीके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब निशांत यहाँ पे क्या है? निशांत जो है वो आपके एक मानव रहित विमान है जो कि DRDO की एक शाखा द्वारा बनाया गया था। ठीक है, जिसे UAV कहो या फिर उसका दूसरा नाम निशांत भी है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निशांत क्या है? एक मानव रहित विमान। 20 नंबर क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना ये किसने बनवाया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नेवी एमआर के लिए, औरंगजेब, शाहजहाँ, जहांगीर, अकबर। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना ये बनवाया अकबर ने, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता? देखो, दिवस से रिलेटेड आपको सारे क्वेश्चन रट लेने हर हाल में। मैं एग्जाम तक आपको एक एक दिवस करा दूंगा। ऑलरेडी मैंने दिवस की एक कंप्लीट वीडियो बनाई है, जिसमें से 100-150 क्वेश्चन होंगे जो कि एग्जाम में पिछले 10 सालों में पूछे गए थे, करवा चुके हूँ। लेकिन मैं फिर भी एग्जाम क्लोज आने तक सारे दिवस करवा दूंगा, और दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक जरूर देखने को मिलेगा। तो विज्ञान दिवस पूछा जा रहा है कि कब मनाया जाता है, तो विज्ञान दिवस आपको मनाया जाता है 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे हॉटलाइन, सुना होगा ना इसके बारे में? अब आपने पढ़ा नहीं होगा लेकिन सुना होगा, हॉटलाइन क्या? हॉटलाइन क्या? एक विद्युत तार है, एक दूर संचार कड़ी है, एक हार्ड डिस्क है, एक मॉडेम है। तो हॉटलाइन आप समझ रहे हैं, एक दूर संचार की कड़ी है ना, हॉटलाइन आप न्यूज़ में देखते होंगे, तो ये वो चीज़ पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो आपको सभी देशों के लगभग इंपॉर्टेंट जो देश हैं उनके राष्ट्रीय खेल आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो वो है आपका स्पेन का, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन पर मनाया जाता है? नेवी एमआर में बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। त्यौहार, कौन सा त्यौहार पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है ईद उल मिलाद। अब यहाँ पर बहुत ही कन्फ्यूज़न है, देखो, ईद उल जुहा, ईद उल फितर और ईद उल मिलाद, है ना। तो याद रखना है, ईद उल जो मिलाद है, ऑप्शन नंबर डी, ये आपका पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन पर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस वीडियो का नेवी हमारे के लिए लास्ट क्वेश्चन है, जल्लीकट्टू खेल किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये खेल है जल्लीकट्टू, और ये किस राज्य में मनाया जाता है ये पूछा जा रहा है। तो जल्लीकट्टू ये आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका
करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो ये थे आज के इस वीडियो के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए। और बेसिकली ये वीडियो बनाने का जो मकसद था वो ये था कि आपको ये बताना था कि किस किस टाइप से क्वेश्चन नेवी हमारे में पूछे जाते हैं, मतलब पूरे तो नहीं बताया लेकिन इस कुछ इतने टाइप्स मैंने आपको बता दिए। अगर इस टाइप से क्वेश्चन आप सारे रट लेते हो तो आप पासिंग स्कोर कर लोगे, फेल नहीं हो सकते हो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आप सारे रट लेते हो। दिवस से रिलेटेड, खेल से रिलेटेड, जितने इस वीडियो मैंने आपको बताया उस टाइप से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आप रट लेते हो तो आप फेल नहीं हो गए, है ना। तो ये थी वीडियो, कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हिट दैट सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय गाइज़।